हेलो नमस्कार। वंदे मातरम। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी में फिर से आप सभी लोगों को एक बार स्वागत है। तो दोस्तों एक बड़ा अपडेट निकल कर आ चुका है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी में, जिसमें दोस्तों तीन बड़ी नियम लागू कर दिया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में जानेंगे कि क्या क्या तीन नियम लागू कर दिया गया है, ग्रामीण में क्या तीन नियम लागू किया है, शहरी में क्या तीन नियम लागू किया है। तो दोस्तों इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। और इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं शहरी क्षेत्र में जिसमें दोस्तों तीन नियम लागू किया है, जिसमें दोस्तों आप सभी लोगों के लिए क्या क्या फायदा होने वाला है, क्या क्या तीन नियम लागू किया है, तो चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पर आता है जिसमें दोस्तों बजट को लेकर, जिसमें दोस्तों शहरी क्षेत्र में जितने भी लाभार्थी हैं सभी लाभार्थियों के लिए बजट को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है, जिसमें दोस्तों दो ऐसा राज्य है जिसमें दोस्तों अतिरिक्त 50,000 रुपया दिया जा रहा है, जिसमें दोस्तों 2.5 लाख रुपया दिया जाता है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए, जो कि दोस्तों दो ऐसा राज्य है जिसमें दोस्तों अतिरिक्त 50,000 रुपया दिया जाएगा, जिसमें दोस्तों ऐलान कर दिया गया है 50,000 राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त पैसा दिया जाएगा। ऐसा दो राज्य कौन कौन सा राज्य है दोस्तों? ऐसा दो राज्य है जिनमें दोस्तों 50,000 रुपया अतिरिक्त दिया जाएगा राज्य सरकार द्वारा, जिसमें दोस्तों पहला नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश और दोस्तों दूसरा नंबर पर आता है मध्य प्रदेश। ये दोस्तों दो राज्य है जिसमें दोस्तों अतिरिक्त 50,000 रुपया दिया जाएगा पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत। तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है, अगर दोस्तों आप भी इन दोनों राज्य के अंतर्गत है तो दोस्तों आप लोगों को भी 2023-24 के अंतर्गत 3 लाख पैसा दिया जाएगा, जिसमें दोस्तों 50,000 अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। और दोस्तों धीरे धीरे सभी राज्य के अंतर्गत भी कर दिया जाएगा 2023-24 के अंतर्गत, जिसमें दोस्तों सभी राज्य के अंतर्गत 50,000 अतिरिक्त दिया जाएगा। और दोस्तों दूसरा जो अपडेट निकल कर आया है जिसमें दोस्तों शहरी क्षेत्र के अंतर्गत अब दोस्तों ऑनलाइन आवेदन होना शुरू हो चुका है, अब दोस्तों आप लोग आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसमें दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब आप लोगों को ऑफलाइन आवेदन नहीं करना होगा, अब आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप खुद से भी कर सकते हैं या दोस्तों आप किसी भी सीएससी सेंटर पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको कुछ भी रुपये का चार्ज नहीं लगेगा, आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन अगर आप सीएससी सेंटर से करते हैं तो दोस्तों आपको 50 रुपया का चार्ज लगेगा, जिसमें दोस्तों आपको सीएससी सेंटर वाला लेगा। तो दोस्तों ये पीएम मोदी द्वारा ऐलान कर दिया गया है शहरी क्षेत्र के अंतर्गत, अब दोस्तों आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 2023-24 के अंतर्गत। और दोस्तों तीसरा जो बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है शहरी क्षेत्र के अंतर्गत, ये दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि दोस्तों अब आप जैसे ही ऑनलाइन आवेदन करते हैं, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपका हाउस वेरिफिकेशन होता है, हाउस वेरिफिकेशन होने के बाद आपका जैसे ही जियो टैग होता है आपका पहली किस्त का पैसा आ जाएगा, जो कि दोस्तों पहले क्या होता था, पहले दोस्तों 2-3 महीना लग जाता था पहले किस्त का पैसा आने में, जिसमें दोस्तों अब दोस्तों 2023-24 के अंतर्गत एक नया नियम लागू कर दिया गया है, जैसे ही दोस्तों आपका जियो टैग हो जाएगा आपका पहली किस्त का पैसा आ जाएगा। अगर दोस्तों आपका 10 से 15 दिन के अंतर्गत आपका हाउस वेरिफिकेशन और जियो टैग हो जाता है तो दोस्तों आपको 10 से 15 दिन के अंतर्गत आपका पहली किस्त का पैसा आ जाएगा। दोस्तों ये था तीन बड़ी अपडेट शहरी क्षेत्र के अंतर्गत। अब दोस्तों हम आप लोगों को बताएंगे ग्रामीण क्षेत्र में क्या क्या बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है, जिसमें दोस्तों आप सभी लोगों के लिए क्या क्या फायदा होने वाला है, जो कि दोस्तों पीएम मोदी द्वारा ऐलान कर दिया गया है। जो दोस्तों पहला अपडेट निकल कर आ चुका है 2023-24 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत, उसमें दोस्तों 1 जून से आवेदन होना शुरू हो जाएगा, जो कि दोस्तों ऑफलाइन आवेदन होगा। ऑफलाइन आवेदन कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, कहां पर होगा, इसका भी पूरा डिटेल्स हम आप लोगों को बता देते हैं। तो दोस्तों ऑफलाइन आवेदन करने के लिए दोस्तों अब आपको प्रखंड कार्यालय नहीं जाना होगा, अब दोस्तों आपने ग्राम पंचायत कार्यालय में ही हो जाएगा, आपका पंचायत भवन में ही आपका ऑफलाइन आवेदन हो जाएगा। तो दोस्तों ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपको फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको सीधे अपने ग्राम पंचायत कार्यालय में जाना होगा, और वहां पर दोस्तों आपके अपने ग्राम प्रधान के पास जाना होगा, वहां पर आपको अपना मुखिया मिल जाएगा, वहां से दोस्तों आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आप सभी डॉक्यूमेंट्स को फिलअप करने के बाद आप अपने मुखिया को दे देते हैं, जैसे ही दोस्तों आप अपने मुखिया को दे देते हैं आपका ऑफलाइन आवेदन हो जाएगा।
ऑफलाइन आवेदन अपना मुखिया कर देगा, जो कि दोस्तों आपको 10 से 15 दिन के अंतर्गत आपका लिस्ट में आपका नाम को ऐड कर दिया जाएगा। दोस्तों 2023-24 के अंतर्गत बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है, जो कि दोस्तों पीएम मोदी द्वारा ऐलान किया है। अब दोस्तों आपके ग्राम पंचायत के अंतर्गत भी आपका आवेदन किया जाएगा, जो कि दोस्तों मोदी सरकार द्वारा ऐलान कर दिया गया है। ये दोस्तों पहला बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत। और दोस्तों जो दूसरा बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है, इसमें दोस्तों बजट को लेकर, जिसमें दोस्तों ऐसा दो राज्य है जिसमें दोस्तों बजट को बढ़ा दिया गया है 2023-24 के अंतर्गत, जिसमें दोस्तों आपको 1,20,000 रुपया दिया जाता था, उसमें दोस्तों 1,90,000 कर दिया गया है, जिसमें दोस्तों एक बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है, जो कि दोस्तों दो राज्य ऐसा है जिसमें दोस्तों अतिरिक्त 50,000 रुपया दिया जा रहा है। तो दोस्तों ये कौन कौन सा राज्य है जिसमें दोस्तों अतिरिक्त पैसा दिया जा रहा है राज्य सरकार द्वारा? ये दोस्तों एक झारखंड हो गया, एक बिहार, इसमें दोस्तों अतिरिक्त पैसा दिया जा रहा है राज्य सरकार द्वारा 50,000 करके, जिसमें दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर दोस्तों आप भी झारखंड और बिहार से हैं तो दोस्तों आप लोग जल्दी से आवेदन करें। आप लोग जैसे ही आवेदन करते हैं 2023-24 के अंतर्गत आपको भी 50,000 अतिरिक्त पैसा दिया जाएगा। और दोस्तों जितने बचे राज्य है उन सभी राज्य के अंतर्गत भी कुछ दिन के अंतर्गत 50,000 अतिरिक्त दिया जाएगा, जो अभी के टाइम पर अपडेट कर दिया गया है। झारखंड और बिहार में 50,000 करके अतिरिक्त पैसा दिया जाएगा पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है। और दोस्तों तीसरा जो बड़ी अपडेट निकल कर आया, इसमें दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जितने भी पुराने लाभार्थी हैं जिनका भी रजिस्ट्रेशन हो चुका है उन सभी लाभार्थियों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। जितने भी दोस्तों पेंडिंग लिस्ट में हैं, जितने भी दोस्तों पैसा पेंडिंग में है उन सभी लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि दोस्तों अब दोस्तों आपको 3 महीने के अंतर्गत आपका जितने भी पेंडिंग लिस्ट में है पैसा, जितने भी पेंडिंग है सभी पैसा को 3 महीने के अंतर्गत आपको दिया जाएगा आपके सीधे बैंक अकाउंट में। वो भी दोस्तों आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आपका इंस्टॉलमेंट है, जो भी किस्त आपका पेंडिंग में है, सभी किस्त का पैसा आपको 3 महीने के अंतर्गत दिया जाएगा, जो कि दोस्तों पीएम मोदी द्वारा ऐलान कर दिया गया है। अगर दोस्तों आपका कुछ भी गलती है, अगर आपका बैंक अकाउंट रिजेक्ट हो चुका है, आपका बैंक अकाउंट में कुछ सुधार करना है, आपका जियो टैग नहीं हुआ है, तो दोस्तों आप जल्दी से ये काम कर ले। आपको 3 महीने के अंतर्गत आपको पीएम आवास योजना का पेंडिंग पैसा जितने भी है सभी पैसा को दिया जाएगा। तो दोस्तों ये बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुका है पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत। तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के जितने भी लोग हैं सभी लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुका है। 3-3 बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है पीएम आवास योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अंतर्गत। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आप सभी लोगों को पता चल गया है क्या 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 बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है, क्या क्या बड़ी नियम लागू कर दिया गया है पीएम आवास योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अंतर्गत। तो दोस्तों आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद जय।